आज हम वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से बात करेंगे और हमारे पास मौजूद होंगी डॉक्टर फरजीन मलिक जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो हमें कार्डियो के हवाले से बताने वाली है। और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर तैयब होंगे जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपकी जानिब आते हैं, आज वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है तो उस हवाले से अवेयरनेस और इस चीज़ों पर हम ज़्यादा रोशनी डालें। वर्ल्ड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड 29 सितंबर एवरी ईयर। ये वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की तरफ से है और इसका मेन जो मैसेज है वो ये है कि अवेयरनेस बढ़ाई जाए। ठीक है। और इस दफ़ा इसका मैसेज है माई हार्ट योर हार्ट, एंड द होल थीम बिहाइंड दैट इज टू इंक्रीज द अवेयरनेस टू हैव अ हेल्दी हार्ट। Lovely. And that includes lifestyle, that includes nutrition, that includes exercise, that includes less smoking, kam asabi tanav. So all of these would lead to a healthy heart. Lovely. अच्छा डॉक्टर, normally हमारे यहाँ अब हम देख रहे हैं कि heart की जो भी मसाइल हैं वो ज़्यादा उनकी ratio बढ़ी है, क्या वजूहत है इसकी? नंबर वन वजह इस टाइम हमारे माशरे में वो ये है कि लाइफ स्टाइल हैज़ और यू कैन से द डाइट हैज़ बीन वेस्टर्नाइज, बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड आ गया है जो बाहर के मुल्कों में सफ़ेद चीज़, चीनी या वो वाइट फ्लावर जो डॉक्टर फरजीन वो डिलेबरेट मोर ऑन दैट था, वो अब हमारी सोसाइटी में फ़ास्ट फूड आ गया है। एंड दैट डज़ नॉट नेसेसरली मीन कि वो मैकडोनल्ड, हार्डीज़ या इस टाइप का कोई ब्रांड ही फ़ास्ट फूड है, जो बिरयानी की प्लेटें मिल रही हैं या दाल चावल की भी मिल रही हैं, विच इज़ वेरी एक्सेसिबल चीप फूड विच टेस्ट रियली गुड एंड इट्स वेरी चीप, हैज़ चेंज द लाइफ स्टाइल अलॉट। नंबर दो स्मोकिंग, नंबर तीन असाबी तनाव, स्ट्रेस, महंगाई का ज़्यादा होना, करप्शन, पोल्यूशन, ऑल ऑफ दैट हैव लेड टू इंक्रीज हार्ट डिजीज इन आवर सोसाइटी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। डॉक्टर फिजी, डाइट, चूँकि आप परफेक्शनिस्ट हैं इस मामले में और आप बताने वाली हैं कि हार्ट के बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपकी डाइट से रिलेटेड होते हैं और डाइट हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। हम बात करते हैं जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं टेस्ट अच्छा हो, चीप चीज़ खा लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसका इम्पैक्ट हमारे हार्ट के ऊपर दीगर चीज़ों पर भी आता है, तो डाइट के हवाले से आप क्या बताने वाली हैं? देखें, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि डाइट का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जेनेटिक्स होती है मौरूसियत जिसको कहते हैं, कि आपको अपने पेरेंट्स से हार्ट डिजीज़ मिल गई, ठीक है मिल गई, अब उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो बेहतरी फिर उसके बाद नेक्स्ट जब इन्वायरमेंटल में आता है तो डाइट सबसे पहले आती है। और वाकई हम लोगों की डाइट जो है वो इतनी ज़्यादा लेडन विद, आपको पता है कि लोग अगर सालन के ऊपर तरी ना लगी हो तो लोग कहते हैं ये सालन है कि ये हस्पताल का सालन है, ये क्या है? सो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने ऑयल और जो घी है उसका कम इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं, लोग मुझे कहते हैं आप घी से मना करती, मैं मना नहीं करती, आप देसी घी भी ले सकते हैं, लेकिन आप एक चमची अपनी जो है वो पर अपनी हेल्पिंग जो है एक वक्त में एक मील में यूज कर सकते हैं, और इससे ज्यादा नहीं ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। बाकी ये कि इतदाल मीडियोक्रिटी जिसको हम कहते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ट्रांस फैट्स कम कट डाउन करनी है। अब ये जो समोसे और ये चीजें तली हुई होती हैं, ठीक है एक समोसे में इतनी कैलोरीज है, मैदा भी है, वाइट फ्लावर भी है, सब इवल्स जा रहे हैं, मगर साथ में ट्रांस फैट में बार बार उस तेल में जिसमें चीजें पक रही हैं, तो बाजार से जब आप चीजें लेते हैं ये चीजों का ध्यान करना है कि आप निमको वगैरह भी जो लेते हैं ये सारी। अच्छा, निमको के बारे में बहुत से लोग समझते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो स्नैक है, इससे क्या होता है निमको से? निमको के अंदर नमक, निमको के अंदर बुरा ऑयल, निमको के अंदर मैदा, ये सारी चीज़ें आपको हार्ट डिजीज़ की तरफ ले जा सकती हैं। सो हार्ट डिजीज़ के लिए चहलकदमी बहुत ज़रूरी है, तकरीबन 40 मिनट रोज़ जो है वो आप ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा डाइट में अपने ऑयल्स कम करें, वाइट को हटा दें। वाइट क्या हो गया? वाइट मैदा, वाइट चावल, वाइट डबल रोटी, चीनी सबसे बड़ी चोर, बिल्कुल यू आर राइट आदि। डॉक्टर तो आपको अभी जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमारी डाइट में बहुत सारी ऐसी चीजें भी शामिल होती है जैसे हम समझते हैं कि जंक फूड से वही है जो हम चेंज के थ्रू हम नॉर्मली हम घरों में भी इतनी ज्यादा चीजें इस्तेमाल करे होते हैं, हमें आइडिया नहीं होता है। बिल्कुल, यू आर सो राइट। और घर में मैदे से बनी हुई अशिया बहुत सारी होती हैं, बच्चों को खवातीन जो सैंडविचेस बना के स्कूल लंचेस में देती हैं उसमें वाइट ब्रेड यूज़ की जाती है, फिर वाइट चावलों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फिर उसके बाद ये जो पूड़ियाँ और ये वाली चीज़ें भी घर में अक्सर नाश्तों पर बन रही होती हैं। हाँ, और कितनी आप खुश हो रही है ना पूड़ियों के नाश्ता, भूख लग रही है। सो वी नीड टू यू नो 5 जो है हेल्पिंग्स वेजिटेबल्स की और 5 हेल्पिंग्स
फ्रूट्स की ज़रूर होनी चाहिए दिन में। हम लोग स्नैक को समझते हैं कि कुछ सैंडविच हो, कुछ समोसा हो, कोई बिरयानी की छोटा सा एक हो, छोटे वाला वो जो होता है वो, बट द थिंग इज़ के फ्रूट्स लेने बहुत ज़रूरी हैं। और फ्रूट्स के ऊपर हम बार बार एम्फसाइज करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि फ्रूट आपकी सेहत के लिए अच्छे, बल्कि ये आपको मेजर बीमारियों से बचाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हार्ट डिजीज की बात करें, एज ग्रुप अब तो यंग एज में भी बहुत ज़्यादा, इसकी एक बड़ी वजह चूँकि आपने बताया लाइफ स्टाइल है हमारा, सारी चीज़ें। हमें नॉर्मली लोगों को आइडिया नहीं होता कि उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम भी है, जब तक कोई मेजर या कुछ सीवियर इशू ना आए। सिम्टम्स और प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं हार्ट की, ये भी बताइए। देखिए, हार्ट के मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं। एक इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है जिसमें शरियानों की तंगी का होना है, जिसमें हार्ट अटैक भी हो सकता है और स्टेबल एंजाइना। दूसरा हार्ट फेलियर है जिसमें हार्ट का पंप वीक हो जाता है हार्ट अटैक की सूरत में। मेन सिम्टम्स इसमें छाती में दर्द होना, सांस फूलना, एक्सेसिव स्वेटिंग होना, नौजिया होना, लेफ्ट आर्म में पेन होना, जॉ पेन होना, ये इन सब अलामात जो है ये हार्ट डिजीज़ के मुतल्लिक बताती हैं। कई दफ़ा स्टेबल एंजाइना के तौर पे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं जी हम कुछ अर्सा चलते हैं, पेन आती है, रुकती है, बेहतर हो जाता है। बट वी हैव नोटिस रिसेंटली इज़ कि अब ज़्यादा हार्ट अटैक की सूरत में पेशेंट्स आ रहे हैं एंड इट्स गेटिंग यंगर बाय द डे। व्हाई इज़ दैट सो के इट्स गेटिंग यंगर? अगेन द सेम रिस्क फैक्टर्स दैट वी टॉक्ड अबाउट। मैंने ज़्यादा वक्त अमेरिका में काम किया, मुझे पाकिस्तान आए 2.5 साल हो गए हैं, बट वहाँ पर जब भी हमारे पास कोई कैथ लैब में 40 साल का पेशेंट आता था तो एवरीबडी वुड डिस्कस इन डॉक्टर्स लाउंज के जी आज मैंने 40-year-old की कॉर्नरी की है, और यहाँ पे अगर 30-year-old भी आप कर रहे हैं, लाइक यस्टरडे वी डिड 240-year-old, हाँ जी, हार्ट अटैक के साथ, तो इट्स कंसिडर्ड वेरी नॉर्मल हेयर। और जो सरकारी अस्पतालों में हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं वो हमें बताते हैं कि वहाँ पे कितना लोड बढ़ गया हुआ है इस डिजीज़ का, विच वॉज साइनोनिमस विद ओल्ड एज एक्चुअली, एंड इट हैज़ गॉटन इन द यंगर एंड यंगर ईयर्स ऑल्सो। स्मोकिंग का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। इस माशरे में स्मोकिंग इज़ गोइंग अप, वेस्टर्न हेमिस्फीयर द स्मोकिंग इज़ कमिंग डाउन नंबर्स, बट हमारे माशरे में स्मोकिंग इज़ गोइंग अप एंड अप, एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इट अलॉट। और जो अदर बाकी सारे जिस तरह हमने अभी बात की, खुराक की, असाबी तनाव की, सो दीज थिंग्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अलॉट। डायबिटीज़ हैव गॉन अप ट्रमेंडसली, उसका इंसिडेंस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गया है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस एरिए के अंदर ह्यूज अमाउंट, वैस्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डेवलपिंग डायबिटीज़, दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट। तो देर आर मॉडिफाइबल फैक्टर्स, देर आर नॉन मॉडिफाइबल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा मरूसियत है, जो मॉडिफाइबल हैं उसमें सारे डायबिटीज़ का होना, हाई ब्लड प्रेशर, बुलंद फिशार खून का होना, हाई कोलेस्ट्रॉल का होना, और इन चीज़ों को लीड करता है जो हमने पहले बात की, खुराक, लाइफ स्टाइल, स्मोकिंग, असाबी तनाव, विच इज़ ऑल एसेंशली प्रिवेंटेबल, दैट टेल्स अस कि यू प्रिवेंट दोज रूट कॉजेज दैट वुड prevent developing diabetes or high blood pressure or prevent smoking, and then all of those would end up to heart disease. So everything essentially is preventable in this situation. Jo main treat kar raha hu is stage pe, ya jisme hum stent dalte hain, ya jisko hum heart attack ki surat mein treat karte hain, to bilkul tip of the iceberg, aap end pe jaake end product ko treat kar rahe hain. Agar hum as a physicians ya awam ya sarkar ya government बेसिक रूट साइड पे जहाँ प्रिवेंशन है उस जगह पे इसकी हमारी तवज्जो की जाए, वी एज फिजिशियंस और एज कम्युनिटी, आई थिंक दैट वुड कंट्रीब्यूट अ लॉट। थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगी डॉक्टर साहब की बात को आगे ले जाके, कि अभी स्मोकिंग की बात की थी, ठीक है, तो स्मोकिंग में लोग समझते हैं कि सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग से कुछ होता है, एक्चुअली जो बंदा सिगरेट पी रहा होता है और जो उसके पास बैठा होता है वो एग्जैक्टली वो पैसिव स्मोकिंग की जद में आ रहा होता है और उसको भी उतना नुकसान पहुंच रहा होता है। सो जो लोग घरों में सिगरेट पी रहे होते हैं वो अपनी फैमिली को भी उतना ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, ऑल्दो के वो स्मोकर्स नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, कि शीशा वगैरह जो पीना है उसको अमूमन सेफ समझा जाता है और हमारी यंगर जनरेशन शीशे के ऊपर बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है और बहुत ज्यादा शीशा पीने का रिवाज है। सो एक अल्टरनेट ढूंढ लिया ना, बिल्कुल एग्जैक्टली, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट्स नॉट एन अल्टरनेट, दैट्स एक्चुअली मे बी मोर पॉइजनस, मोर हार्मफुल, ज्यादा वो नुकसानदेह है आपके लिए। तीसरी चीज ये है कि एक अल्कोहल की जाती अल्कोहल कंजम्पशन बहुत बढ़ गई है हमारी सोसाइटी में, जिसको जिसको एड्रेस नहीं किया जा रहा, राजदारी में रखा जा रहा है, लेकिन वो एंड में आपकी अपनी सेहत के ऊपर जो है वो ज्यादा असर अंदाज हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब ने ऐसा
اعصابی تناؤ کی بات کی ہے. سٹریس جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ ہمارے سکول بس کے بچوں سے شروع ہو رہا ہے کہ ایک زمانہ تھا ہم سکول میں بیگ ڈال کے جاتے تھے, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی. اب 5 سال کے بچے نے چونکہ کسی بہت بڑے سکول میں داخلہ لینا ہے, اس کے اوپر ٹینشن ہے, پھر اس کے بعد یہ او لیولز اور اے لیولز اور پتہ نہیں کہ علم غلم کیا چیز ہے, بہت ساری بچوں ہم سے زیادہ پی ایچ ڈی والا پریشر ڈال رہا ہے. اور سکولز کے اندر پلے گراؤنڈز کا نہ ہونا ان کا فقدان بہت بڑی بات ہے. فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. جب لوگ پوچھتے ہیں ورلڈ ہارٹ ڈے کے اوپر کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, تو میں اور ڈاکٹر صاحب آئی تھنک مل کے یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ وہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے, اینڈ مطلب ایک اسٹینڈ ڈال گیا, چلو جی آپ خوش ہو کے بڑے گھر آ رہے ہیں. نہیں, یو شوڈ ہیو بین کیئرفل. آپ کو اگر دل میں درد ہوتی ہے کسی بھی وقت, آپ پلیز ای سی جی کروائیں. آج کے دن آپ اگر 25 سال سے عمر سے زیادہ ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا لپڈ پروفائل کروائیں, جو کہ فاسٹنگ میں کروایا جاتا ہے. تقریباً 10 سے 12 گھنٹے ڈاکٹر صاحب فاسٹنگ ہوتی ہے. 12 گھنٹے آئیڈیل, بٹ منیمم 8 آورز پہ بھی ہو سکتا ہے, بٹ آئیڈیلی 12 ایٹ آورز میں کر کے اپنا لپڈ پروفائل کروائیں. اور ایچ بی اے ون سی, جو لپڈ پروفائل کیا ہے ڈاکٹر, لپڈ پروفائل آپ کے سارے جو آپ کی باڈی کے اندر فیٹس ہیں, جس میں کولیسٹرول ہے, ایچ ڈی ایل ہے, ایل ڈی ایل ہے, یہ ساری فیٹس کی آپ کو پوزیشن بتائے گا. تو یہ جب آپ اپنے کارڈیولوجسٹ کو یا اپنے جی پی کو دکھائیں گے تو ایٹ لیسٹ اس کے پاس تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ یہاں پہ کام ٹھیک ہے کہ کوئی خراب ہے. اگر آپ اوور ویٹ ہیں تو آپ اپنا وزن کم کریں. وزن کم کرنا صرف خوبصورت لگنے کے لیے نہیں ہے, اٹ از فار جنرل باڈی فٹنس. آپ ڈیپ بریدنگ کریں اعصابی تناؤ سے نجات کے لیے. ضروری نہیں کہ جب بالکل ہی ہنٹر پڑ جائے اور یہ والا سین آ جائے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں. پہلے جانا, پہلے چیک اپس کرانا بہت ضروری ہے. وہ لوگ جو اسموکرز ہیں, جو عام طور پہ بچے آج کل کے 16 سال کی عمر سے اسموکنگ شروع کر دیتے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ اپنا لپڈ پروفائل اور اپنا کارڈیک چیک اپ جو ہے وہ کروائیں. یہ صرف جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ جو ایک 50 سال کی یا 60 سال کی عمر میں ایک بات ہوتی تھی, وہ جی یہ تھوڑے سے بوڑھے اس لیے ان کو ہو گیا. یو ہیو ٹو گو پل اٹ بیک, پیچھے جانا ہے 20 سال سے اوپر, 25 سال, یہاں پہ آپ لوگوں کو اپنا پروفائلنگ شروع کروا دینی چاہیے اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ اس طرف جا رہے ہیں. اچھا, ابھی ڈاکٹر فرزی نے اوبیسٹی کی بات کی, مطابق یہ بھی ایک میجر فیکٹر سمجھا جاتا ہے. جی بالکل, اوبیسٹی, بیکاز جو اوبیس ہے اس میں انسولین ریزسٹنس پیدا ہوگی, اسپیشلی پیٹ کی چربی, جو پاکستان میں ہم موسٹ آف دا مردوں کے ساتھ سلسلہ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے پیٹ کی چربی وہاں ہونا, دس وسٹرل فیٹ, یو نو اٹس بیڈ. ڈاکٹر صاحب لوگ سمجھتے ہیں ٹانگیں پتلی ہیں, بازو پتلے ہیں تو کوئی بات نہیں, ہم پتلے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, یہ انکریز دا انسولین ریزسٹنس کرتی ہے, دیٹ وڈ اگین لیڈ ٹو ادر رسک فیکٹرز. اگین اوبیسٹی کا ایک کاز فزیکل ان ایکٹیویٹی ہے. ایکسرسائز سے اگر وزن کم نہ بھی ہو تو اس کے اور بہت سارے پازیٹیو افیکٹس ہیں, ہارٹ کے اوپر, بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے اوپر, ڈائبٹیز کے اوپر, آپ کے اوور آل اعصابی تناؤ کے اوپر اس کا ایک اٹس اے ویری پازیٹیو افیکٹ. انسپائرڈ آف دا فیکٹ کہ اگر کوئی ایکسرسائز کرے اور کہے میرا وزن نہیں بھی کم ہو رہا, میں اس کے لیے کر رہا ہوں, اسٹل اٹ ووڈ ہیو لاٹ آف پازیٹیو افیکٹس آن دیٹ. اوبیسٹی کا جیسے آپ نے ذکر کیا, اس میں یہ آ جاتا ہے کہ یو فالو اے سرٹن بی ایم آئی, 30 سے زیادہ ہو تو وزن زیادہ ہے, تو یو کین کیلکولیٹ اٹ, اٹس ویری ایزی. آن لائن جا کے وہ فارمولا نکال, اس ویٹ ڈیوائڈیڈ بائی ہائٹ, اور آپ نے اس کو ایک سرٹن نمبرز پہ کر کے اس کی ایک آپ کو ریشو پتہ لگ جاتی ہے. بٹ as all of us is talking again and again, this is all preventable. Thank you very much Dr. Fazeem, thank you very much Dr. Tayyab, bahut shukriya. World Heart Day ke hawale se janab hamare dono doctors ne aapko itni zabardast aur mufeed kism ke tips de diye hain ki aapne apna healthy heart jo hai wo kis tarah se maintain karna hai. Jab break lenge, break ke baad hazir honge, yoga ke hawale se bhi aapko batayenge, aap dekhte rahiye Jaago Lahore.